जैसे कर्नल अजय जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि लेवल तो ज़्यादा तेज देखने को नहीं मिला है पहले के मुकाबले, लेकिन देख रहे हैं सीमित दायरे में है। पहले 3400 का लेवल टच किया, फिर 3300, फिर 3200, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बार फिर से 3000 के बाद 3100 के लेवल पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है बिनौला खल। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से अभी बिनौला खल में ऐसे ही कुछ समय तक सीमित दायरा देखने को मिलता रहेगा? देखिए, बिनौला खल पे आपको याद होगा अखिलेश जी कि हमने मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से सबसे पहले अग्रिम चेतावनी दी थी जी। जब बिनौला खल 3341 रुपए का उच्चतम भाव था और उस भाव के ऊपर लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ 4000 और 4200 की बातें कर रहे थे। उस वक्त हमने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा था कि सांस लेने के बाद छोड़नी पड़ती है, छोड़ने के बाद पुनः लेनी पड़ती है और यही सृष्टि का नियम है। तेजी की मंदी, तेजी मंदी, मंदी तेजी, ये एक साइकिल है, इसको आप रोक नहीं सकते। और वही आप देखिए 3341 की खल अब 3100 के आसपास आ रही है, 3130 3120। तो कपास खली के अंदर ये क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण फंडामेंटल्स हैं, उनको समझ लेना जरूरी है। बहुत अद्भुत मैं आपको मेरा विश्लेषण आप तक प्रस्तुत कर रहा हूं दर्शकों के लिए। देखिए, यदि कॉटन का यदि हम अनुमान लगाएं, क्योंकि कॉटन से ही बिनौला निकलता है, कॉटन सीड निकलता है और उसी से ऑयल निकलने के बाद ही कॉटन ये वेस्ट निकलती है जिसे बिनौला खल के रूप में कही जाती है जी। एक महत्वपूर्ण पनबिंदु यह है कि जो सीसीआई के अभी इन्होंने ताजा तरीन जनवरी महीने के अंदर जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उसके मुताबिक 3,61,000 यानी 3,61,00,000 कॉटन बेल्स का इन्होंने अनुमान लगाया था सितंबर अक्टूबर में 2021 में, जो कि गलत साबित हुआ। हमने लगातार आपको अनुमान और विश्लेषण के ऊपर डिटेल रिपोर्ट्स भी दी कि ये इससे हम सहमत नहीं है और उससे कॉटन में जबरदस्त तेजी दर्ज हो गई। अब महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अब जनवरी महीने के अंदर यानी 5-6 महीने के बाद जब आधा सीजन निकल चुका है, फिर सीसीआई ने अपनी एक रिपोर्ट दर्ज की है और उसके अंदर 12,00,000 बेल्स की कटौती उत्पादन में दिखाई गई है जी। तो 3,61,000 की जो करोड़ की जो ये बेल्स का था उसमें 12,00,000 का कोई विशेष कटौती नहीं है यदि प्रोडक्शन में देखा जाए तो जी। एक बिंदु, और जो कॉटन के अंदर जब यदि बड़ी गिरावट प्रोडक्शन में नहीं है तो उसके खल के अंदर अवेलेबिलिटी और कॉटन सीड के अंदर कहां से कमी या बेसी हो जाएगी। पॉइंट ये है कि आप 3.48 लाख करोड़ आप बेल्स की बातें कर रहे हैं, 12,00,000 बेल्स की कमी के हिसाब से जी। तो वो जो उपलब्ध माल है उससे सीड तो निकलेगा ही निकलेगा और वो जब सीड निकलेगा तो निश्चित रूप से उसकी मिलिंग भी होगी, उसकी तेल भी निकलेगा, कॉटन सीड का ऑयल भी निकलेगा और उससे कपास खली भी बनेगी जी। तो ये दोहराए के ऊपर बड़ा मुश्किल है क्योंकि ज्यादातर जो विशेषज्ञ बात कर रहे हैं कॉटन पे बात कर रहे हैं, लेकिन कॉटन के जो आंकड़े उपलब्ध है उन उपलब्ध के हिसाब से कॉटन की प्रोडक्शन में कोई बड़ी कमी नहीं आई है जी। जब कमी नहीं है तो निश्चित रूप से उसका कॉटन सीड भी निकलेगा ना जी। वो उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि भाई समस्या क्या है। तो मेरा यही कहना था और जैसे ही सीसीआई ने आंकड़े जारी किए उसके ऊपर हमारा विश्लेषण आया कि भाई 3341 रुपए के ऊपर जो खल है इसके लेवल के ऊपर मुनाफा वसूल होना चाहिए जी। और आप देखिए कि लगभग 600 रुपए टूट चुके हैं जो करीबन 18-20% है, जो कम नहीं है
जी तो पॉइंट ये है कि अब हमें सरकारी आंकड़ों के ऊपर, ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। कॉटन खल को आप कॉटन के भावों से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो उत्पादन है उस उत्पादन के अंदर सीसीआई के मुकाबले के लिए ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके हिसाब से मात्र 12 लाख बेल्स की कटौती है, जो कि ज्यादा नहीं है जी। उसी प्रतिशत के हिसाब से आप देखेंगे तो आप देखिए। तो ये मेरा कहना है, इसलिए कपास खली के अंदर जब हमने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा था कि इसके अंदर आप मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, और वो उसके बाद देखिए 3741 से घट के ये 3100 के लेवल आ चुके हैं, 3120 तक, 3140-42। ये हमारा एक पॉइंट है। कॉटन की तेजी के साथ साथ कॉटन का उत्पादन को यदि हम नजर रखेंगे तो हम विश्लेषण कॉटन सीड ऑयल केक में कर सकेंगे। कॉटन अब ये भी एक बात आती है कि कॉटन की क्वालिटी जी, कॉटन के अंदर क्वालिटी कम या ज्यादा हो, ए ग्रेड की हो, बी ग्रेड की हो या दागी हो, लेकिन सीड तो सब में निकलेगा जी। सीड में कहां समस्या है? नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु, सरसों की बिजाई 24-25% रबी की फसलों में हो चुकी है। फरवरी महीने के अंत तक सरसों की फसलों का भी बात बनेगी। जब वो बेताशा फसल आएगी तो सरसों खल भी अवेलेबल होगी जी। तो कपास खली के जो दाम सरसों खल, सोया खल, मूंगफली खल, इनसे कंपैरेटिवली कंपैरिजन होगा, तभी आप नए भाव निर्धारित कर पाएंगे। ये महत्वपूर्ण चर्चा है, ये महत्वपूर्ण जो बिंदु है इसके ऊपर मैं मेरा मत ही है। तो कपास खली के अंदर लोगों को सावधान होना चाहिए, लेकिन कपास खली में फिर तेजी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन वो कब बनेगी, किन लेवल्स पे बनेगी? हमने आपको कपास खली के अंदर तेजी की बात 2200 रुपए के लेवल पे की थी, 2400 रुपए से लेवल की थी, जो कि 3700 रुपए का लेवल दिखाया। फिर 3700 रुपए पे हमने कहा था कि यहां पर मुनाफा वसूली बन सकती है, सावधान रहें। 3100 का लेवल आ गया है, क्या ये 3000 से लेवल से टूटेगा या फिर दोबारा 4000 के लेवल पे आएगा? हम आगे वाले एपिसोड्स के अंदर हम आपसे चर्चा जरूर करेंगे। जी अखिलेश जी। जी कनरे जी।